नमस्कार विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है कक्षा आठ के लोकतंत्र के पहले पाठ का शेष प्रकरण आज हम पढ़ेंगे पूर्व के प्रकरण में हमने संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को क्यों होती है उसका अध्ययन किया था आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे बीसवीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले तीन साल तक तीन साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही इस पैराग्राफ में हमने कुछ बातें देखी औपनिवेशिक राज्य लोकतांत्रिक देश सभी को सरकार में हिस्सेदारी ये जो मुख्य बातें हैं औपनिवेशिक सरकार क्या होती है या औपनिवेशिक राज्य क्या होता है भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था कहने का तात्पर्य यह है किसी बाहरी शक्तियों के द्वारा या देश के द्वारा किसी देश को राजनीतिक सामाजिक आदि के आधार पर जो अपन जब अपने अधीन कर लिया जाता है तो गुलाम देश है वो उस देश का उपनिवेश बन जाता है लेकिन अंग्रेज़ों ने लगभग देश विश्व के बहुत से देशों को अपने अधीन कर रखा था लेकिन वहाँ के अधीनता में और हमारे देश के अधीनता में काफ़ी अंतर था अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ अपने गुलाम या उपनिवेश स्थापित कर रखे थे वहाँ आधिपत्य तो अंग्रेजों का ही था लेकिन सरकारें उन देशों की ही चलती थी जबकि हमारे यहाँ इसके विपरीत था हमारे यहाँ अधीनता भी अंग्रेजों की थी नियम भी अंग्रेजों के ही चलते थे हमारे देश की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी जबकि उपनिवेश होना वो चाहिए जहाँ हम अधीन तो किसी देश के हो सकते हैं ग़ुलामी किसी देश की कर सकते हैं लेकिन सरकार शासन व्यवस्था है वो उस देश के माध्यम से और उस देश के नागरिकों के माध्यम से ही चलाई जानी चाहिए और इसके लिए भारतीयों ने काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों से इस बात के लिए संघर्ष भी किया था कि भारत को उपनिवेशिक राज्य का दर्जा उन्हें देना चाहिए उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया था और लगातार हम इस पाठ में इस बात की चर्चा कर रहे हैं जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन तो इस प्रकार के शासन की व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए कौन व्यक्ति अपनी सरकार का गठन करेगा किस पद्धति से करेगा आदि का विचार अब भारतीयों के दिमाग में आने लगा था कब जब संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी तब उन लोगों ने इसके बारे में सोचा कि भारत का संविधान किस प्रकार बनेगा किन लोगों के माध्यम से बनेगा आगामी जब सरकार बनेगी तो वो किस प्रकार से शासन करेगी आदि का विचार इस माध्यम से किया गया संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे देश में कई समुदाय थे उनकी न तो भाषा एक थी न धर्म था न ही एक जैसी संस्कृति थी वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा वे किधर जाएंगी जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी भारतीय सभा के सॉरी संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनातीत दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरी, गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया ये सारी इस पैराग्राफ में जो बातें की गई है वो उस समय की है जब संविधान निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है विभिन्न धर्म जाति के लोग यहाँ रहते हैं तो संविधान बनने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक था कि विभिन्न सांप्रदायिक इन समुदायों के मध्य किस प्रकार एकता स्थापित की जा सकेगी सभी अपने अपने धर्मों का किस रूप से पालन कर पाएंगे इन सब का जिक्र संविधान में करना था और ये सारा कार्य किया गया प्रारूप समिति के द्वारा अब हम भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे सबसे पहला है संघवाद संघवाद का तात्पर्य होता है देश में दो प्रकार की या एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना एक जो केंद्र राजधानी में बैठकर कार्य करे और दूसरी जो उसकी इकाइयों के मध्य बंटी हुई हो यानी राज्य सरकार माफ़ कीजिएगा यानी केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा एक केंद्र सरकार और दूसरी है उसके राज्यों की सरकारें यह है दो प्रकार की सरकारें या ज़्यादा स्तर की सरकारें होना उसे संघवाद कहा जाता है हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी केंद्र में मुख प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है और राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद कार्य करती है और पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य शासन का तीसरा स्तर है जिसका अध्ययन हम कक्षा छः में भी कर चुके हैं और सातवीं क्लास में भी उसके बारे में पढ़ेंगे भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुठ्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न ले इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार दिया गया राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा इसका तात्पर्य ये हो गया कि सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन करना कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते उन्हें भी संविधान से भी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं यानी देश के लिए संविधान तो एक ही होता है केंद्र सरकार भी अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करती है और राज्य सरकारें भी अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करती हैं भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों के सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं एक बात मैं आपको और बता दूं कि जहां संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है लगभग संघात्मक सरकार की ये मुख्य विशेषता है कि वहां संविधान दोहरा पाया जाता है दोहरा पाया जाने का तात्पर्य हो गया कि अगर हमने शक्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा है तो उनके संविधान भी अलग अलग होंगे लेकिन भारत इसके विपरीत है संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ संविधान है वो राज्य सरकार के लिए भी एक ही है और केंद्र सरकार के लिए भी एक ही है इसके पश्चात है संसदीय शासन पद्धति छोटा सा जिस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में सरकारी हैं वो एक से ज़्यादा स्तर की होती है ठीक इसी प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में भी कार्यपालिका दो प्रकार की पाई जाती है जैसे कि हम सब जानते हैं एक शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकार के तीन अंग हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तो उसमें जो व्यवस्था कार्यपालिका है वो दोहरी पाई जाती है वो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था कहलाती है सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं कक्षा सात की किताब के शुरू में ही कांता की कहानी दी गई है जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है भारत का संविधान अपने सभी व्यस्क नागरिकों को व्यस्क का तात्पर्य यहाँ है अठारह वर्ष और उससे ऊपर के सभी हैं वो व्यस्क कहलाते हैं को वोट डालने का अधिकार देता है संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तो तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति वर्ग और, और औरत मर्द के फर्क पर आधारित तो ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अब देखिए प्रश्न उठता है ध्यान रखेंगे साबिया और इस प्रश्न का याद भी करेंगे उत्तर कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है तो उत्तर यहाँ शुरू होता है इसका तात्पर्य अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो और क्यों न हो ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों न क्यों महत्वपूर्ण तो होता है इसके बारे में हम इसी पुस्तक के आगे के पाठ में अध्ययन करेंगे एक बार थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था क्या होती है माफ कीजिएगा तो संसदीय शासन पद्धति का तात्पर्य होता है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है हम इसका तीन रूप में उत्तर दे सकते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संसदीय शासन पद्धति क्या होती है तो पहली लाइन में हम उत्तर दे सकते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है क्यों क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाता है दूसरा संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका दो प्रकार की पाई जाती है पहली होती है नाममात्र की जिसे हम संवैधानिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं और दूसरी होती है वास्तविक तो वा नाममात्र या संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद तो बात समझ में आई कार्यपालिका दोहरी पाई जाती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है दो ही कार्यपालिका के प्रधान पाए जाते हैं एक संविधानिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है इसी व्यवस्था को संसदीय शासन पद्धति के नाम से जाना जाता है शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान की तीसरी विशेषता तो जैसे हम जानते हैं कि सरकार के तीन अंग हैं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका देखिए विधायिका को संसद भी कहते हैं व्यवस्थापिका भी कहते हैं और विधायिका भी कहते हैं तो इस बात पर आप ध्यान रखेंगे तो जिस प्रकार शासन के तीन अंग हैं तो निश्चित सी बात है तीनों अंगों को कार्य करने के लिए शक्तियाँ भी चाहिए अब किसी को ज़्यादा और किसी को कम अगर इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है तो संविधान में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और सूचियाँ बनाई गई है और उन सूचियों के माध्यम से कानून बनाने का अधिकार इन तीनों अंगों को दिया गया है विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं देखिए विधायिका का होता है संसद। तो सांसदों का चुनाव होता है हमने देखा है लगभग बच्चे हैं तो आप लोगों ने घर में सुना होगा कि इस बार लोकसभा के चुनाव है और कभी कहते हैं विधानसभा के चुनाव है तो लोकसभा के चुनाव होते हैं इसका मतलब हमने संसद के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ की है तो सभी भारत के राज्य हैं वहाँ जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें निर्धारित होती हैं और वहाँ से हम अपने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं तो वो क्या करते हैं वो संसद में जाकर कानून निर्माण का कार्य करते हैं तो ठीक उसी प्रकार शासन की शक्तियों का बंटवारा करने के लिए भी सूचियाँ बनाई गई हैं जिनके नाम केंद्र सूची या संघ सूची राज्य सूची संवर्धि सूची और अवशिष्ट सूची केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को ही दिया जाता है पर अगर मान लो किसी एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना लिया और राज्य सरकारों ने भी कानून बना लिया और दोनों के मध्य टकराव हो गया तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं और संवर्धित सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है आगे देखेंगे सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है इसके पश्चात चौथी विशेषता है या लक्षण है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार का तात्पर्य हो गया मूल अधिकार और मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास सर्वांगीण विकास का तात्पर्य हो गया शारीरिक मानसिक बौद्धिक तो पूर्ण रूप से जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के अवसर प्रदान करने के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए उन्हें मूल अधिकार कहते हैं आगे देखेंगे मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है तो मूल अधिकार वाले भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार भी को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों संख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है पहला हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन किया गया है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके और नीति निर्देशक तत्व सरकारों को निर्देशित करते हैं एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं स्वतंत्र भारतीय जनता गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए उन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखती है देखिए इस बॉक्स में जो संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है मैं छोटे से सारगर्भित रूप में आपको इसके बारे में बता देती हूँ समानता का अधिकार से तात्पर्य होता है भारत के सभी नागरिकों के मध्य समानता स्थापित करना किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सके सभी को सभी सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की खुली छूट हो रोजगार के मामले में राज्य सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए सबको रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों छुआछूत आदि का अंत हो उपाधियों का अंत किया गया स्वतंत्रता के अधिकार में घूमने फिरने की सभा बनाने सभा संगठन बनाने की काम करने की आदि की स्वतंत्रता दी की शोषण के अधिकार में चौदह साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जोखिमों के कार्य में नहीं लगाना मानव व्यापार नहीं करना बेकार प्रथा आदि का अंत किया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत शिक्षा संबंधी आता है इसमें धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकता है और छठा जो अधिकार है वो इसका मुख्य अधिकार है कि ऊपर जो पाँच अधिकार आपको प्रदान किए गए अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई हनन या शोषण होता है तो आप कानून का साथ ले सकते हैं इसके पश्चात धर्म निरपेक्षता तो नाम से ही पता चल रहा है कि भारत क्या है बहुसंख्यक समुदाय वाला देश है यहाँ विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं तो ऐसे में जब संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान निर्माताओं के मन में ये बात आई कि विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं तो उनमें किसी प्रकार की टकराव की स्थिति न हो और उनकी एकता बनी रहे इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया और धर्म की जगह यहाँ संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का वर्णन मिलता है यानी देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा वह सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा सभी को समान विकास के अवसर प्रदान कराएगा और किसी भी एक धर्म को मान करके अन्य धर्मों के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा वो धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता और आगे विस्तार से इस अगली कक्षाओं में हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये थी भारतीय जो संविधान है उसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएँ